कई बार होता है हम एडिट कर देते हैं हमारे सेशंस में, मतलब लोग इतने एक्साइटेड हो जाते हैं, ये झालर वालर तोड़ देते हैं, कोई दीवारों पे सर मारने लग जाते हैं, कुछ लोग यहाँ पर आकर के लेट जाते हैं, मुंह से झाग निकलने लग जाते हैं, मतलब कुछ भी हो जाता है यहाँ पर, एक्साइटमेंट अलग लेवल पे जाता है। आज जो हमारे गेस्ट हैं यहाँ पर बैक स्टेज में, उनके लिए किसी भी तरह की कोई भी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। उनका एक बहुत पॉपुलर शो है यूट्यूब के ऊपर TRS के नाम से, द रणवीर शो के नाम से। सो प्लीज गिव एन एनर्जेटिक एंड वार्म वेलकम टू द वन एंड ओनली रणवीर अलाहाबादिया। So good to see you. Great to see you. बहुत अच्छा लग रहा है, बट थोड़ा स्ट्रेंज लग रहा है क्योंकि मैं कॉलेज से आपका यूट्यूब चैनल देखते जा रहा हूँ, एंड आई एम जस्ट लिटिल ओवरवेल्म्ड। आई मस्ट से यू लुक बेटर इन पर्सन देन इन वीडियोस। वैसे वीडियोस में भी आप बहुत अच्छे लगते हो, लेकिन ऐसे आप और अच्छे लगते हो, आपकी जो एनर्जी है, जो स्माइल है, आपकी भी ऑरा बहुत ज्यादा अलग है। हमने अभी इतने सारे पॉडकास्ट कर लिए, आई थिंक आई नोटिस ऑरास मोर देन आई नो यूजुअल, बहुत ज्यादा स्ट्रांग ऑरा, तो मुझे 2 मिनट लगेंगे थोड़ा सा शांत होने में। मैंने जो ऑब्जर्व किया आपकी वीडियोस देख करके, प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, मैंने देखा कि आपके अंदर कॉम्पिटिटिव स्पिरिट नहीं है, आपके अंदर एक कोलैबोरेटिव स्पिरिट है। लाइफ इज टू शॉर्ट टू मेक एनिमीज, यू नो, अगर दोस्ती बना सकते हो तो बना लो, राइट? लाइक यू डोंट, यू शुडंट वांट द ड्रामा, ड्रामा से आपकी एनर्जी सैप होती है। बताइए आप में से कौन है जो इनसे क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं? आई हैव सीन अ लॉट ऑफ योर वीडियोस एंड अ लॉट ऑफ योर पॉडकास्ट एंड ऑल, एंड व्हाट आई हैव गैदर्ड इज यू आर अ बिग फैन ऑफ गैरी वी। And उससे पहले आई थिंक यू आर अ काइंड ऑफ अ स्पिरिचुअल पर्सन, सो आई थिंक टुडे इन गेटिंग इन्वाइटेड बाई संदीप सर वुड बी लाइक, हाउ आर यू फीलिंग राइट नाउ? आई फील कि स्पिरिचुअलिटी की इंट्रोडक्शन मेरी लाइफ में इनकी वजह से हुई थी। कैसे, मैं जानना चाहूंगा। आप जनरली स्पिरिचुअलिटी लाते थे एज अ टॉपिक आपके अर्ली वीडियो? हाँ, मैं बात करता था हल्के से, एंड आई फील कि वहाँ वो इंसेप्शन हो गई वो थॉट, उसके इफेक्ट्स आपके करियर में होते हैं, आप इजीली दोस्त बना पाते हो आप, सो इट ब्रिंग्स पॉजिटिव इफेक्ट्स, एंड आई फील कि द मोस्ट पॉजिटिव इफेक्ट इज आपके जो खुद के घर पे रिलेशनशिप्स है, आपके रोमांटिक रिलेशनशिप्स है, उनको भी फायदे मिलते हैं। आई नो दैट यू आर सीइंग समवन काइंड ऑफ डेटिंग समवन एंड यू आर नॉट एबल टू कनेक्ट विद अ स्पिरिचुअली, लाइक योर the mental stimulation that you need, you are not able to get that from her. नहीं नहीं ऐसा ऐसा नहीं। You have mentioned it in a video. I have seen that video. Is it serious or are you like? आप सीधा पूछिए ना जो पूछना चाहते हैं। आपकी शादी हो गई नहीं हुई? नहीं नहीं, I'm single and I'm looking. That's why I'm asking. हाँ ठीक है। I'm also single actually. Okay. पर I feel कि at this phase बहुत कुछ चल रहा है life में career wise. I'm open. Even mic लेकर के बोलिए। जिसमें interest है जनता का वही बात करी जाए तो better है। हम अपनी बातें क्यों करें? Said that you're open for dating. It's clearly visible. Yeah, it's clearly visible because you are at that point of time that you are well established and obviously you are growing. So I mean, it would be like much more comfortable to have a partner who can help you out with your venture as well. यहाँ पर अगर एक और फीमेल आ जाए तो अच्छा, मतलब तीनों तरफ से अटैक हो जाएगा इनके ऊपर, मतलब और इंटरेस्टिंग हो जाएगा। नहीं सर, मुझे तो बहुत मजा आ रहा है, आई एम एंजॉयिंग ये अटैक। ऑनेस्टली आपके पर्सनल लाइफ के लिए टाइम बहुत कम होता है इन दिस फेज। आई फील कि एट सम पॉइंट अगले 1-2-3 सालों में मैं, बट आई एम कंफर्टेबल विद, डोंट हैव एनी इश्यूज। आप एक काम करो, आप यहाँ आ जाओ। मैं क्या करूँ ना, आप यहाँ बैठोगे, आप दोनों की ऐसे नजर उतार दूंगा। बड़े बुजुर्गों का यही काम होता है, वो आशीर्वाद देने के लिए होते हैं। प्लीज बैठ जाइए, प्लीज प्लीज बैठ जाइए। रणवीर ये क्या हो रहा है? आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ है कि तो ये स्पिरिचुअलिटी का सब दीवाने हो गए हैं आपके यहाँ पर आते ही एकदम से। मैं ये जानना चाहती हूँ, डायरेक्टली क्वेश्चन पर आती हूँ, हम सब सबकी सक्सेस देखते हैं,
मोस्टली सब लोग जो भी अपनी लाइफ में काम करना चाहते हैं, सब सबकी सक्सेस को फोकस बात देने के लिए होते हैं। प्लीज बैठ जाइए, प्लीज बैठ जाइए। रणवीर ये क्या हो रहा है? आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ है कि तो ये स्पिरिचुअलिटी का सब दीवाने हो गए हैं आपके यहाँ पर आते ही एकदम से। मैं ये जानना चाहती हूँ, डायरेक्टली क्वेश्चन पर आती हूँ। हम सब सबकी सक्सेस देखते हैं, मोस्टली सब लोग जो भी अपनी लाइफ में काम करना चाहते हैं सब सबकी सक्सेस को फोकस करते हैं, लेकिन ऐसा मेरा ऐसा मानना है कि हमें किसी की सक्सेस से ज़्यादा उसकी स्ट्रगल स्टोरी पर फोकस करना चाहिए। तो बेसिकली मैं आपकी स्ट्रगल स्टोरी जानना चाहती हूँ, क्योंकि सक्सेस तो हम आपकी जानते हैं, बट मैं आपकी स्ट्रगल स्टोरी जानना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि वो हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन देती है। मैंने यूट्यूब पर बात करी है इस चीज़ के बारे में। सो आई हैव समथिंग कॉल्ड एडिक्टिव पर्सनैलिटी डिसऑर्डर एंड इट्स डायग्नोज। मैं एक साइकोलॉजिस्ट के पास गया था, दिस वॉज लॉन्ग बैक, दिस वॉज इन कॉलेज। कॉलेज में आई फील की बिकॉज ऑफ द रॉन्ग फ्रेंड सर्कल, द रॉन्ग कंपनी, काफ़ी बुरी आदतें स्टार्ट हुई थी मेरी लाइफ में, बट इट गॉट ओवर व्हेन आई टुक अप फिटनेस। तो जब फिटनेस की एंट्री हुई मेरी लाइफ में, आई काइंड ऑफ सेड नो टू पार्टीइंग, ये वो, दैट वॉज द स्ट्रगल फेज ऑनेस्टली। ईदर या तो आई वॉज क्राइंग, या तो आई वॉज वेरी इन टू एल्कोहल, या तो आई वॉज डूइंग समथिंग एल्स दैट वॉज रॉन्ग, बट टू कम आउट ऑफ दैट वॉज द बिग विन। और वो हुआ ऑनेस्टली फिटनेस की वजह से। जब जिमिंग स्टार्ट हुई, जब स्पोर्ट्स फिर से स्टार्ट हुए लाइफ में, इट काइंड ऑफ पुल्ड मी आउट ऑफ इट। पर एक बार जब आपका करियर स्टार्ट हो जाता है, आपकी वो जो भी अडिक्टिव पर्सनैलिटी डिसऑर्डर वाली एनर्जी होती है, वो पूरी की पूरी आप करियर में भी डाल सकते हो। और इसलिए मैं शायद इतनी सारी चीज़ें कर रहा हूँ, बिकॉज आई रियली एन्जॉय एंड मे बी आई एम अडिक्टेड टू यूट्यूब ग्रोथ या टू सी बिजनेस राइजिंग। तो आई फील कि ओवर टाइम स्पिरिचुअलिटी की वजह से, मेडिटेशन की वजह से, उस पर भी थोड़ा सा कंट्रोल आ चुका है, बट इट्स समथिंग आई हैव टू वर्क ऑन इवन टुडे। आई फील कि बहुत सारे लोग यू नो दे डोंट अंडरस्टैंड द रियलिटी ऑफ बीइंग अ यूट्यूबर फॉर अ लिविंग। आई फील कि आपका केस बहुत यूनिक है, क्योंकि आप मोनेटाइज नहीं करते हो, बट व्हेन यू आर मोनेटाइजिंग इट फॉर अ लिविंग, या आपकी यूट्यूब की इनकम आपके टीम्स की सैलरी पे कर रही है, तो नंबर्स एंड ऑल दैट रियली अफेक्ट्स यू। बट आई ऑल्सो फील कि अब कोई भी प्रोसेस यूट्यूबर फॉर अ लिविंग, आई फील कि आपका केस बहुत यूनिक है, क्योंकि आप मोनेटाइज नहीं करते हो, बट व्हेन यू आर मोनेटाइजिंग इट फॉर अ लिविंग, या आपकी यूट्यूब की इनकम आपके टीम्स की सैलरी पे कर रही है, तो नंबर्स एंड ऑल दैट रियली अफेक्ट्स यू। बट आई ऑल्सो फील कि अब कोई भी प्रोसेस को, स्पेशली प्रोसेस लाइक यूट्यूब जो क्रिएटिव है, अगर आप उस प्रोसेस को एन्जॉय कर रहे हो, यू विल फिगर आउट अ वे टू कम आउट ऑफ इट। बट यूट्यूबिंग में बहुत सारे डाउन फेजेस होते हैं एंड इट्स रेगुलर टू हैव डाउन फेजेस। तो अर्ली ऑन द डाउन फेजेस वुड अफेक्ट मी अलॉट, अर्ली ऑन हेट वुड अफेक्ट मी अलॉट, बट ओवर टाइम आई रियलाइज कि इट्स ऑल डूएबल। अगर एक किसी फेज के बारे में बात करूँ, आई फील कि अर्ली ऑन इन माई करियर मैंने आमिर खान को टारगेट किया था उनके दंगल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने कहा कि आई थिंक आमिर सर हैज़ यूज्ड सम इंजेक्शंस फॉर हिज बॉडी, विच एनीवे आई हैड माय रीजंस बैक देन। आई फील बैड कि मैंने किसी की फेम की वजह से उन्हें टारगेट किया, तो आई हैव दैट रिग्रेट। और उनसे मिलके मैंने अपोलोजाइज भी किया, नहीं एक्सेप्टेड द अपोलॉजी।